हाथा वह हर उठेला रोज बसाई दोपहर तस्त में हाथ पर दुपारी बैठना बारह चाहता साढ़े है। बारह वह लगे तो आता रखे है टाइम और मिला जोर हाथा से बसाई शोर चल मचाने तो लगता है। जब हम जोर उसे जोर आवाज बैठने की करना अनुमति मिला हाथा देते उठ गया हैं मलाई तो वह टने शांत बसाई हो जाता है। यह मुंबई की ग्रेस फैमिली है जो छोटे से कुकू को लाड प्यार कर रही है। कुकू ग्रेस परिवार का एक सदस्य बन गया है। इसके पीछे की कहानी बहुत ही मानवीय और रोचक है। हा कावळा जेव्हा लहान असताना 2.5 वर्षापूर्वी अढ़ाई साल पहले हमें अपनी बालकनी पर यह कौवा मिला था। वह घायल और बीमार था। हमने उसका इलाज किया और फिर उसे छोड़ दिया, लेकिन अगले दिन वह वापस आ गया। हमने फिर उसे मुक्त कर दिया, लेकिन वह वापस आया और फिर लौट कर कभी नहीं गया। आई लोशन ते एक डोळा त्याचा वाचला आणि पण एक डोळा आम्हाला वाचवता आला नाही आणि त्यानंतर तो जरा एकदम फ्री झाला आणि आमच्या बरोबरच राहायला लागला। मग तो पण असं झालं की घराचा मेंबरच झाला। ग्रेस परिवार की मदद व व्यवहार की वजह से ये कौवा परिवार से जुड़ गया, इसीलिए उसने उन्हें छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद ग्रेस परिवार को भी कौवे से लगाव और प्यार हो गया। उन्होंने उसका नाम कुकू रख दिया और अपने परिवार का सदस्य मान लिया। तो म्हणजे समजदार झालेला आहे, त्याचं नाव पण ठेवलेलं आहे त्याने, वेगवेगळ्या प्रकारचे नाव बोललो ना तो समजतो। मैं उसे कुकू, चुकू, चूचू, शानू बाबा नाम से पुकारती हूँ, लेकिन जब मैं उसे येदू बाबा कहती हूँ तो उसे एहसास हो जाता है कि ये कुछ अलग नाम से पुकारा गया है। परिवार में सबसे छोटे बच्चे की तरह कुकू को विशेष देखभाल मिली। हैप्पी बर्थडे टू यू। ग्रेस परिवार के सभी सदस्यों ने उसकी देखभाल की और उस पर विशेष ध्यान दिया। कभी ऐसा वाटला नहीं कि हमें, अब वह हमारे परिवार का सदस्य बन गया है। हमें कभी नहीं लगा कि वह एक कौवा है। हम उसे परिवार में एक बच्चे के रूप में मानते हैं। हम उसे वही देते हैं जो वह खाना चाहता है। वह अपने दोस्तों से मिलने के लिए घर से बाहर जाता है और उसके दोस्त भी उससे मिलने के लिए गैलरी में आते हैं। कुकू की एंट्री से ग्रेस परिवार खास बन गया है। ग्रेस परिवार का कौवे के प्रति लगाव और प्यार समाज के लिए एक उदाहरण है। हम सभी को जानवरों से भी वैसा ही प्यार करना चाहिए जैसे कि हम मनुष्य से करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। चौबीसों घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।